एक्सरसाइज थ्री आप देखो निकाले। हाँ एक्सरसाइज थ्री, अच्छा थ्री से पहले चलो वन का एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं बोर्ड टाइप का, तो आपका थोड़ा बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कॉम्पोजिट फंक्शन का क्वेश्चन देखूँ तो 35 से स्टार्ट हो रहा है, 35, 36 ये सब खैर इजी क्वेश्चन है, ये सब नहीं पकड़ रहा हूँ। अच्छा चलो एक आध 38 जो है उसको देख लेते थोड़ा, 38 कैसे करेंगे एक्सरसाइज वन, ठीक है पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 38 है ना। एफ एक फंक्शन दे रखा है जिसका डोमेन आपको दिया है आर माइनस 7/5 से लेकर के आर माइनस 3/5, क्लियर बात है ना। और दूसरा जो एफ एक्स फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है 3x+4 डिवाइडेड बाई आपके पास कितना है 5x-7, है ना सर। और दूसरा g एक और फंक्शन है जो कि है आपका r माइनस 3/5 से लेकर के कहां तक होगा r माइनस 7/5 तक होगा, ठीक है। और g x जो फंक्शन है वो भी आपको गिवन है कि वो क्या है 7x+4 डिवाइडेड बाई 5x-3। तो यहां पर आपको बोला गया है कि आपको डायरेक्टली प्रूफ करना है कि गॉफ और फॉग जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है जहां पे आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट ए और सेट बी दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे प्रॉपरली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि f जा रहा है इस सेट से लेकर के इस सेट, ये डोमेन में 7/5 क्यों नहीं आप समझ सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और यहाँ पे इसका भी डिनोमिनेटर जीरो होने की वजह से 3/5 को हटा दिया। तो गॉफ जो फंक्शन है, गॉफ जो फंक्शन है उसका अगर मैं डोमेन का बात करूं तो वो डोमेन मैंने आपको बोला कि कॉम्पोजिशन का डोमेन अंदर वाले के डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो f का डोमेन जो है वो है आपका r माइनस 7/5, r माइनस 7/5 हो जाएगा डोमेन, और गॉफ का जो कोडोमेन होगा वो g का कोडोमेन होगा यानी कि r माइनस 7/5, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आपको दिख रहा है ना। सिमिलरली अगर मैं फॉग के बारे में सोचूं तो फॉग का आपका क्या हो जाएगा g का डोमेन दैट इज r माइनस 3/5 से लेकर के क्या हो जाएगा r माइनस 3/5 तक हो जाएगा, ठीक है। यहां इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि जब अपन फॉग निकाल रहे हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट b आ रहा है जहां पे b है r माइनस 3/5, दिख रहा है ना आपको, डोमेन कोडोमेन दोनों सेम है तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ दिस सेट मिलेगा जो सेट है आपका r माइनस 3/5 दैट इज सेट b, ठीक है। तो आप यहां पे ऐसे लिख दोगे हियर इट इज गिवन दैट, है ना, वी हैव आपके पास ये आपको मिल गया है ना। अभी आप स्टार्ट करो अपना क्वेश्चन, क्या स्टार्ट करोगे सबसे पहले गॉफ एक्स कैलकुलेट करना, ठीक है। तो गॉफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका g ऑफ f ऑफ x, और ये g ऑफ f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, f x डालो यहां पे ये कितना हो जाएगा 3x+4 डिवाइडेड बाय 5x-7। तो g ऑफ दिस फंक्शन, तो इस चीज को g ऑफ x का वैल्यू अगर ये है तो g ऑफ दैट क्या होगा, x की जगह पे ये इनपुट चला जाएगा बस खत्म। तो ये हो जाएगा 7 × 3x+4 डिवाइडेड बाय 5x-7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 × 3x+4 डिवाइडेड बाय 5x-7-3, क्लियर है बात, है ना। अभी आप सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 20x और इधर हो गया आपका 21 यानी कि 41x, और इधर हो गया 28-28 जीरो हो गया, है ना, और इधर आ जाएगा आपका 15-15x काम खत्म, और इधर हो जाएगा 20 और प्लस 21 हो जाएगा 41, ठीक है। डिनोमिनेटर तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट होकर के x आ गया जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट b, सिंस b इज गिवन एज r माइनस 3/5, और यही होगा क्योंकि गॉफ का जो आउटपुट है वो g का कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा और g का कोडोमेन है r माइनस, कहां पे आपको दिख रहा है r, g का कोडोमेन जो है वो कहां पे दिख रहा है, ये देखो गॉफ का जो कोडोमेन है वो क्या है r माइनस 7/5, हाँ तो सॉरी ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a, क्या दिया हुआ है यहाँ पे a दिया हुआ है आपका, हाँ a दिया हुआ है r माइनस 7/5, तो ये हो जाएगा आपका r माइनस a, r माइनस 7/5 है ना, तो ये हो जाएगा आपका गॉफ हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट a। ये देखो गॉफ का कोडोमेन देखो r माइनस 7/5 है, तो ये जो x होगा ये डेफिनेटली इसी सेट का एलिमेंट होगा, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट ए हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन एक्स होता है और कौन सा सेट का एलिमेंट है वो इस सेट का एलिमेंट है जहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो होगा वो आपका आर माइनस 7/5 होगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे कैलकुलेट करना चाहते हो फॉग ऑफ एक्स को तो ये कुछ इस प्रकार से एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा, उसके अंदर जी एक्स को आप डालो, जी एक्स कितना है 7x+4 डिवाइडेड बाई 5x-3, तो इसको कैलकुलेट करो
क्योंकि f ऑफ x तो ये है ना, तो x की जगह पे इसी फंक्शन को पुट कर दो, काम तमाम, 7x plus 4 by 5x minus 3 plus 4 divided by 5 into 7x plus 4 divided by 5x minus 3 minus 7 जो है उसको सॉल्व कर दो, x मिलेगा, और ऑब्वियसली वो x जो एलिमेंट होगा वो फॉक का कोडोमीन का एलिमेंट होगा। फॉक का कोडोमीन कौन सा है, अभी अभी निकाल के रखी हूँ, फॉक का कोडोमीन है r minus 3 by 5 जो कि d है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट d लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये काफी इजी पार्ट है, जो एक्सरसाइज 1 का आपका क्वेश्चन है ना, तो इस प्रकार से आप कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं और अगर कोई अच्छा खासा क्वेश्चन दिख जाए, फिर आप एक्सरसाइज 3 करने के बाद ये आपको इजी लगेगा और काफी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा देर यहाँ पे वेस्ट ना करके, ये बाद में ऐसे डिस्कस हो जाएगा, है ना, अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो ये बाद में ऐसे पूरा डिस्कस होगा, उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, मत कीजिए कुछ भी। ठीक है, और प्रॉपरली अपन स्टार्ट करते, देख लेते कुछ भी अच्छा अगर क्वेश्चन मिल जाता है फटाफट, अगर मैं सोचूं नहीं वही सारे चीज रिपीट हो रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग, है ना, कर लोगे। अच्छा ठीक है, पहले एक्सरसाइज 3 के, हाँ टोटल आपको अगर मैं कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन का बात करूं तो आपको लगभग मिल जाएगा 64 तक, हाँ 35 से लेकर के 64 तक है टोटल 20 क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन का, एक्सरसाइज 1 में आप कर लीजिएगा, एक आध तो मैंने कर दिया। ठीक है, चलो अपन एक्सरसाइज 3 में चलते हैं, उसके बाद अगर समय बचता है तो वापस आ जाएंगे एक्सरसाइज 1 में। ठीक है, पहले एक्सरसाइज 3 का जो भी क्वालिटी क्वेश्चन है, जो आपको टॉपिक सिखा के जाएगा, वो सारे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट अगर एक्सरसाइज 3 का अगर मैं क्वेश्चन का बात करूं तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, कंपोजिशन 23 पे खत्म हुआ था, 1112 24, हाँ 24 से, तो चलो 24 से स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, 24 से स्टार्ट करते हैं, फिर कंपोजिशन एक्सरसाइज 3 में जितना मुझे करके देने का बात है वो सारे करने के बाद अगर समय बचता है तो एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन कुछ कर लेंगे। और देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे गॉफ दिया हुआ है आपका मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, और आपको फॉग भी दिया हुआ है साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर, साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सरसाइज 3 24, यहां से देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है गॉफ एक्स मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है, गॉफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और आपको फॉग एक्स दिया हुआ है साइन रूट एक्स होल स्क्वायर, और आपको फॉग एक्स दिया हुआ है साइन ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान से एक चीज सोचो ना कि मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का मतलब ही क्या है, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का मतलब तो क्लियर है, पूरा समझ आ रहा है ना, सभी को समझ आ रहा है कि यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या है। मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि सर इस चीज को तो मैं क्यों ना अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, कोई इशू है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है, ना ही एक्स ना ही प्लस माइनस एक्स होता है। तो आप इस चीज को अगर ध्यान से देखते हो कि गॉफ एक्स अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है और फॉग एक्स जो है वो साइन रूट एक्स होल स्क्वायर है, तो यहां से क्लियरली अगर कोई स्मार्ट बच्चा है तो वो आइडिया लगा देगा कि सर आपका जो जी एक्स जो है ना वो डेफिनेटली रूट एक्स हो रहा होगा और आपका एफ एक्स जो है ना वो कन्फर्म है कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा साइन स्क्वायर एक्स होगा। तभी तो जाकर के देखो ना, जब जी के अंदर एफ एक्स जाकर के बैठेगा तो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, और जब एफ के अंदर जी जाकर के बैठेगा तो एक्स की जगह पे रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन गिवन है उनमें से यह ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको इस चीज को नहीं दिख रहा है ना, ये एक पजल क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो डायरेक्टली आप ऑप्शन का एलिमिनेशन कीजिए तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, एक एक ऑप्शन करके सॉल्व कीजिए। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जब गॉफ फॉग दोनों दिए हुए थे और फॉग और सॉरी गॉफ और फॉग दोनों दिया हुआ है और एफ और जी आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, बेसिकली वो भी कर सकते हो, सिंगल करेक्ट ही होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं था, अगर मैं आगे के क्वेश्चंस में फोकस करूं तो आप देख सकते हो मैं कुछ ना कुछ अच्छा चीज आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 है, तो क्वेश्चन नंबर 25 अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 25
एफ एक्स दिया हुआ है, कॉफ एक्स दिया हुआ है, आपको जी एक्स निकालना है, ठीक है। आपको एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस वन, विच कैन बी रिटेन एज एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, सही है, ठीक है। फिर आपको गॉफ एक्स दिया हुआ है, गॉफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो गॉफ एक्स अगर मैं दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अभी आपको ना जी एक्स बताना है, एफ एक्स दिया हुआ है, गॉफ एक्स दिया हुआ है, आपको जी एक्स बताना है। तो एक काम आप यहाँ पे कर सकते हो ना कि गॉफ एक्स का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ, है ना, गॉफ एक्स का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। तो अभी एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। आपको भी क्या करना है, इस रिलेशन से ढूंढ करके आपको क्या निकालना है, जी ऑफ एक्स निकालना है, क्या निकालना है, जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको सिखा रहा हूँ, उस चीज को आप आगे भी बहुत जगह पर अप्लाई कर सकते हो और बहुत काम आएगा थ्रू आउट द डिफरेंशियल कैलकुलस एंड फंक्शन चैप्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, आपको अगर जी एक्स चाहिए तो जी एक्स ना निकाल के आप जी टी निकालो ना, दूसरा कुछ भी वेरिएबल, यानी कि सर आप इस चीज को दूसरा कोई भी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। तो इस जगह से आपको क्या पता चल रहा होगा कि x प्लस वन का जो वैल्यू होगा यहाँ से वो तो हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ टी, ठीक है। तो इस इक्वेशन से वापस आप क्या लिख सकते हो कि g ऑफ t, बिकॉज x प्लस वन होल स्क्वायर इज योर t, तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वन, दैट इज प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ टी हो जाएगा। अभी मॉड्यूलस जब प्लस माइनस के साथ ऑपरेट होगा तो ये आंसर एक ही देगा, वो क्या देगा, रूट टी देगा। और यहां से आपको पता चल जा रहा है कि अगर जी ऑफ टी का वैल्यू रूट ऑफ टी है तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू रूट ऑफ एक्स होगा, ये कंफर्म है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से आप जी ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूशन का हेल्प से निकाल दियो, ठीक है। अभी आप चेक भी करके देख लो कि अगर आप जी ऑफ एक्स को रूट ऑफ एक्स बोलते हो तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर यहाँ पे डालोगे तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन ही बाहर निकलेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद वो क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 26 या 25 दिया, क्वेश्चन नंबर 26 का देता हूं। एफ एक्स आपको क्या दिया गया है, सॉरी कॉफ एक्स और फॉग एक्स निकालना है, जहां पे एफ एक्स इज गिवन एज सिग्नम एक्स, एफ एक्स इज गिवन एज सिग्नम एक्स एंड जी एक्स इज अवर वन प्लस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, सही है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स आपको अच्छे से पता है ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अभी अगर आप फॉग निकालने का कोशिश करो तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दैट इज जी ऑफ एक्स को इसके अंदर डालो तो 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, सही है। तो 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जब एफ पे ऑपरेट होगा तो एफ एक्स अगर सिग्नम एक्स है तो एफ ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ सिग्नम ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ऑब्वियस। तो सिग्नम वन प्लस फ्रैक्शन पार्ट मतलब क्या, फ्रैक्शन पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नंबर पूरा पूरा वन से भरा हो गया, अगर ये नंबर वन से भरा है मतलब वन से टू के बीच में हो गया, अगर ये वन से टू के बीच में है क्योंकि सिग्नम जीरो से वन के बीच में होता है, जहां पे जीरो पे इक्वालिटी लेता है वन पे नहीं लेता है, तो ये वन प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स वन से टू के बीच में होगा और सिग्नम वन से टू के बीच में क्या देता है, आंसर वन देता है, क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड वाला पार्ट करने का कोशिश करूं तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि g ऑफ f ऑफ x जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, g ऑफ f ऑफ x जो होगा वो क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा आपका g ऑफ f ऑफ x, जहां पे f ऑफ x का वैल्यू आपका क्या है, सिग्नम x, ठीक है। तो अभी g x का वैल्यू आपको पता है 1 प्लस फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन के अंदर सिग्नम x। अभी सिग्नम x का आंसर डोमेन उसका कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आता है, माइनस वन जीरो या वन में से कुछ ना कुछ आता है, तो अगर इसका आंसर माइनस वन जीरो या फिर वन में से कुछ ना कुछ हो तो फ्रैक्शन पार्ट लगने के बाद इसका आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट जीरो हो जाता है, तो वन प्लस जीरो तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे आपको एफ फॉग और गॉफ जो है वो इक्वल मिल गया, प्रोवाइडेड अगर मैं दोनों का डोमेन के बारे में सोचू तो फॉग और गॉफ का जो डोमेन हो जाएगा वो किसका, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जी के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। इसका भी आर है, है ना, और इसका भी क्या है, आर है, दोनों का ही तो आर है ना, तो ये जी का और एफ का डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों का ही क्या आ जाएगा, आर, मतलब दोनों का ही अगर मैं ग्राफ बनाने का कोशिश करूं तो ये आ जाएगा ग्राफ, समझ में आया ना, है ना। फॉर ऑल एक्स एफ एक्स सॉरी फॉग एक्स और गॉफ एक्स इज वन, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल भी हो गए, बट प्रॉपर्टी वन में आप पढ़ के आया हो कि फॉग और गॉफ कभी इक्वल नहीं होता है, ठीक है, कभी इक्वल नहीं होता मतलब हर जगह पे इक्वल नहीं होता है ना, किसी किसी स्टेज में वो इक्वल आ भी सकते हैं।
ठीक है, जैसे आपको यहां पे मिल रहा है ना। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखू, 25, 26 हो गया। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखू 27, एफ एक्स डी एक्स बाइसेक्टिव है, एफ यहां से यहां, जी यहां से यहां रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज। अच्छा 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 अच्छा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का रेंज आपको निकालना है, ठीक है। तो ये एक देखो, ये एक बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को आप करोगे, मैं इसी का एक इससे भी एक टफ क्वेश्चन मैं कराता हूं, जो इस शीट में तो नहीं है, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, है ना, मैं लिख के दे दूंगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे तो नहीं है इस शीट में, बट वो एडवांस वाली शीट में क्वेश्चन है, और आप लिख लीजिए कॉपी में, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आप ध्यान से लिख लेना और प्रॉपरली समझने की कोशिश करना, समझ आ जाएगा। बेसिकली फंक्शन में आप पार्ट वन फंक्शन जब 11 में पढ़ाया गया था, तब आपने ये चीज ध्यान में दिए होंगे कि किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। अभी हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी कॉम्पोजिट फंक्शन का डोमेन या फिर रेंज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, किसी भी कॉम्पोजिट फंक्शन का डोमेन या रेंज हम कैसे निकालेंगे, चाहे वो एफ एक्स और जी एक्स, मतलब जिस दो फंक्शन का हेल्प से वो कॉम्पोजिट फंक्शन बन रहा है, वो दोनों फंक्शन किसी भी प्रकार से दिया हो, समझ में आया ना, वो आपका डिफाइंड फॉर्म में, मतलब कंटिन्यूअस हो या फिर पीस वाइज डिफिनेशन होता है ना फंक्शन का, जैसे अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तोड़ तोड़ के देता है, डिफाइंड फंक्शन जैसे बोलते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार के फंक्शन भी हो सकता है, या फिर आपका कंटिन्यूअस थ्रू आउट इंटरवल कंटिन्यूअस फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के फंक्शन का अगर पीस वाइज डिफिनेशन है, यानी कि अलग अलग इंटरवल में तोड़ तोड़ के फंक्शन को दिया गया है, तो उस प्रकार की चीज को करने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और अच्छा दिमाग का जरूरत होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन हो जाता है, बट जो कंपोजिशन का डोमेन और रेंज, उसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं आईआईटी में, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छा टॉपिक है, अब इसको ध्यान से समझो, इतना आसानी से तो आपको ये समझ नहीं आएगा, बट अगर आप दिल से सोचने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आप समझ जाओगे कि झटके में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो अभी 26 नंबर क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज तरीका, उसको करने के लिए आप इस चीज को, वैसे वो तो उसी प्लेटफॉर्म का रेंज पूछा है ना cos x का, उसका एक सिंपल पैटर्न है, बट उसका जो यूनिवर्सल जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसी टॉपिक का, कंपोजिशन का डोमेन रेंज, वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक, आप देख सकते हो इनवर्स का शीट में, हाँ इनवर्स का, ये कंपोजिशन का डोमेन रेंज में इनवर्स का शीट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इनवर्स का शीट में एक है, एक या दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे इनवर्स, यानी कि इनवर्स फंक्शन, मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, टॉपिक है आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, या फिर आप डायरेक्टली कॉम्पोजिट फंक्शंस लिखो, कॉम्पोजिट फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, समझ में आ रहा है ना, प्योर आईटी एडवांस के लिए टॉपिक, या फिर मेंस में अगर आता है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर मेंस में कुछ डिजाइन हुआ तभी आएगा, अदरवाइज एडवांस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं, ठीक है, आपको मैंने क्या बोला, आपको मैंने क्या बोला, आपको मैंने, अच्छा अगर मैं आपको दो फंक्शन बोला एफ और जी, ठीक है, तो कितने प्रकार की कॉम्पोजिशन हो सकता है एफ और जी में, फॉग हो सकता है, जी और जी सॉरी एफ और जी का कॉम्पोजिशन गॉफ होगा, जी और एफ का कॉम्पोजिशन फॉग होगा, ठीक है, एफ खुद के साथ भी कॉम्पोजिशन ले सकता है एफ ओ एफ, ठीक है, और जी खुद के साथ भी ले सकता है जी ओ जी, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ये आपको चार प्रकार के कॉम्पोजिशन पढ़ना है, ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इन सब का डोमेन रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर डिजाइन करता हूँ, देखो जैसे मान लो, जैसे मान लो लेट लेट एफ, अच्छा हाँ एफ मान लो, एफ मान लो आप जैसे R प्लस दे दिया, R प्लस से लेकर के R, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x, ठीक है, e टू द पावर x, ये कोई भी एक मैंने फंक्शन दिया आपको, ठीक है, और दूसरा एक और फंक्शन दे रखा हूं, मान लो g जो कि है आपका माइनस वन से लेकर के वन से लेकर के कहां तक जा रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है,
और वो है आपका साइन इनवर्स एक्स। बेसिकली साइन इनवर्स एक्स अभी तक आपने स्टडी नहीं किए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला लेक्चर में ही इसका हिस्ट्री हम खोलेंगे, बट अभी अभी के लिए आप इतना सा याद रख लो कि सर साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन होता है माइनस वन से वन और जिसका रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और जो इस इंटरवल में एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है ना। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करेगा, है ना, यहां से यहां तक वो इंक्रीज करता जाएगा, देख रहे हैं, बस इतना सा ही होता है। ये उसका डोमेन, ये उसका रेंज, पूरा पूरा बाउंडेड फंक्शन है और इंक्रीजिंग है, समझ में आया ना। इतना सा है साइन इनवर्स एक्स का हिस्ट्री, इतना अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। अभी इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस चीज को याद कर लो कि साइन इनवर्स एक फंक्शन है जो कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिख रहा है, है ना। कथे साइन इनवर्स एक्स का ये मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा कि वन अपॉन साइन एक्स नहीं, ये गलत है। साइन इनवर्स एक्स इज इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स। अभी इनवर्स फंक्शन क्या है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो साइन इनवर्स एक्स के बारे में अभी क्या याद रखना है कि ये इसके इक्वल नहीं है, ये कुछ और फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अभी दिमाग में फिट कर देना है दो दिन के लिए कि ये है ना, एक दो हफ्ते बाद ही पता चल जाएगा कि ये होता क्या है और इसका डोमेन यहाँ से यहाँ तक, रेंज यहाँ से यहाँ तक होता है, ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, बस इतना सा कहानी अभी याद रखना है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला आपको, क्वेश्चन आपको ये बोला कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉग एक्स एंड देन गॉफ एक्स, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स, ये आपका सवाल, ठीक। अभी आप ध्यान से देखना किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते किस प्रकार से, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से, सबसे पहली बात अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लो फॉग एक्स, फॉग एक्स के बारे में अगर मैं सोचने जाऊं, एक्सपोनेंशियल को तो पहचानती हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, है? बट यहाँ पे जो डोमेन है उसको पूरा, उसका बेसिकली उसका डोमेन रियल होता है, बट यहाँ पे आपको आर प्लस दिया है, रेस्ट्रिक्ट करके दिया है डोमेन, तो आर प्लस के लिए ये क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के इंक्रीज करेगा, दैट इज उसका रेंज जो हो जाएगा वो वन से इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वो वन से इंफिनिटी होगा बिकॉज डोमेन यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, आर प्लस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो पे वो वन होता है, तो इसका रेंज अभी के लिए वन से इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। बट कोडोमेन रियल नंबर दे रखा है, ठीक है, और इसका डोमेन जो होता है वही लिखा हुआ है, रेंज जो होता है वही उसका कोडोमेन दिया हुआ, मतलब ये फंक्शन ऑन टू और वन वन भी है दिया हुआ है, ठीक है, उस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है ना। बट ये आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है आपका, वन टू वन तो है ही क्योंकि इंक्रीजिंग है, बट आपको ऑन टू नहीं है बिकॉज कोडोमेन जो है काफी ज्यादा है, रेंज से नहीं जा रहा है वन से इंफिनिटी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पे पूरा पूरा फोकस करो, फॉग एक्स का डोमेन और कोडोमेन पे बात करना है, किस पे बात करना है, फॉग एक्स का डोमेन और कोडोमेन पे बात करना है। पहले तो ये समझ लेते हैं, थोड़ी देर पहले हमने ये सोचे कि फॉग एक्स गॉफ एक्स क्या होता है, और सबसे जो जरूरी बात था वो ये था कि सर फॉग एक्स एग्जिस्ट कब कब करता है, फॉग एक्स एग्जिस्ट तभी करता है जब जी एक्स का जो रेंज है, अंदर वाले का जो रेंज है वो बाहर वाले का डोमेन का जब सबसेट होता है तभी वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करने वाला, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करने वाला। अभी किस प्रकार से होगा ये कहानी हम सोचते हैं, ठीक। जैसे सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, अगर फॉग एक्स है तो पहले क्या होगा, वो जो सर्कल बना था मैपिंग डायग्राम आपको याद है ना कि सबसे पहले क्या था, एफ था, फिर बाद में क्या लगाया था, जी, तो ए से सी तक जो सेट हो गया था वो क्या हो गया था, गॉफ हो गया था। अभी अगर फॉग है तो फॉग के लिए मैं क्या बोलूंगा कि सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, जी आएगा ऑब्वियसली, और सेकंड पे क्या आएगा, जो अंदर है वो सबसे पहले आएगा, जो बाहर है वो बाद में आएगा, तो क्या है, एफ आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ध्यान समझिए बात को, है ना, हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, मान लीजिए छोटा कर देते, थोड़ा यहाँ पे जगह लगेगा लिखने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे एक इनपुट दे रहे हैं एक्स, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये ऑपरेट करके जो आउटपुट निकाल रहा है वो आउटपुट क्या निकाल रहा है, वो आउटपुट निकाल रहा है जीएक्स, ठीक है, वो आउटपुट क्या निकाल रहा है, जीएक्स निकाल रहा है, और वही जीएक्स यहां पे घुसता है और घुस करके जो फाइनल आउटपुट देता है वो क्या देता है, एफ ऑफ जी ऑफ, समझ आ रहा है मेरी बात, वो देता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अभी किस प्रकार से काम चलता है ध्यान से समझते हैं मेरी बात, सबसे पहले एकदम तोड़ तोड़ के, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, एकदम तोड़ तोड़ के मेरे साथ साथ चलो, ठीक है। जीएक्स, जी फंक्शन कौन है सर, जी फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का बोले डोमेन कौन है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है माइनस
वन से वन, यहां से कहानी शुरू होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कौन है? माइनस वन से वन। ठीक है, अभी माइनस वन से वन अगर इसका डोमेन है तो ग्राफ में देख सकते हो, अगर डोमेन माइनस वन से वन, माइनस वन से वन है, इंक्रीजिंग है, तो माइनस वन पे माइनस पाई बाई टू और वन पे पाई बाई टू, तो पूरा पूरा रेंज आएगा, जी एक्स का जो रेंज आएगा, मतलब जी एक्स का आउटपुट जो वैल्यू आएगा, इस फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, मान लेते चलो ये टी है, ठीक है ये टी है, तो ये हो गया आपका टी का वैल्यू। F जो निकाल रहा है, F क्या निकाल रहा है? F निकाल रहा है F of t, समझ में आया? और आपको क्या निकालना है? आपको F of t का रेंज निकालना है, F of gx का रेंज यानी कि F of t का रेंज निकालना है, ऐसे सोच लो। तो F of t का अगर आपको रेंज निकालना है तो आप क्या सोचोगे कि t का वैल्यू क्या है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। बट आपको ये तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि जब आप इस वैल्यू को ये तो g का ही डोमेन था, ये देखो ये तो g का ही डोमेन था, तो ये तो बहुत इजीली इसके थ्रू पास हो गया, बट ये जो t का वैल्यू आया, ये जो t का वैल्यू आया, क्या ये f का डोमेन है? नहीं है। क्या ये f का डोमेन है? नहीं है। मतलब इस चीज को जब f of t निकालने के लिए t को इसके थ्रू तो पास करना पड़ेगा ना, इसे तो सोचो, अगर इसके थ्रू पास करना है तो एफ तो ऑब्जेक्शन डालेगा ना, बोलेगा कि मेरे परमिशन के बिना आप कैसे टी को लेके जा सकते हो, एफ ऑफ टी कैसे निकाल सकते हो आप? तो मैं पूछूंगा क्या आप इससे सहमत हो? टी बोलेगा रुको मुझे चेक करने दो, मुझे देखने दो कि मेरा हैसियत क्या है, मेरा हैसियत क्या है वो मुझे चेक करने दो, यानी कि मेरा डोमेन क्या है वो मुझे चेक करने दो। तो एफ अपने डोमेन पे ध्यान देगा और बोलेगा मैं तो आर प्लस हूं, मैं तो आर प्लस हूं, मतलब t का कोई नेगेटिव वैल्यू या फिर जीरो को भी मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं, सिर्फ पॉजिटिव है तुम्हारे पास तो लेकर के आओ, t को बोलेगा f, अगर पॉजिटिव है तो ही मेरे अंदर से लेकर के आओ, मैं पास करा दूंगा तुमको, अदरवाइज तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मैं r क्लास को छोड़ के कुछ ले नहीं सकता। समझ में आ रहा मेरी बात है ना? इस प्रकार से चीजों को सिंप्लीफाई करके सोचो कि एफ टी को बोलेगा कि टी तुम अगर मेरे थ्रू जाना चाहते हो तो मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब कि टी का वैल्यू रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा आर प्लस के लिए, तो टी का कितना हिस्सा जा सकता है वो सोच लो काम खत्म। टी का अगर मैं देखू, टी का इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कितना हिस्सा है? इतना सा हिस्सा है। अगर पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ पाए तो दोबारा सोचने की कोशिश करो, T का इतना सा हिस्सा ही है जो F को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान से सोचो, T का इतना सा हिस्सा ही है जो F को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इतना सा ही पार्ट है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये है R प्लस, है ना, मतलब R प्लस और इसका इंटरसेक्शन सिर्फ इतना सा ही मिल रहा है। तो F के थ्रू T का कितना वैल्यू जाएगा? इतना सा वैल्यू जाएगा जो आउटपुट निकालेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात, है ना? अभी f of t है क्या? f of t है क्या? fx e to the power x है, तो f of t क्या हो जाएगा? e to the power t। तो t का वैल्यू सबसे पहले अगर जीरो डालते तो कितना आएगा? e to the power zero one आ जाएगा, है ना? और pi by two अगर डालते, क्योंकि e to the power t भी तो increasing function है ना, minimum value डालेंगे तो minimum आएगा, maximum डालेंगे तो maximum आएगा, और pi by two अगर डालते तो ये कितना आ जाएगा? e to the power pi by two आ जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? मैक्सिमम अगर डालते तो कितना आएगा? e to the power pi by two आ जाएगा। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि f of t का जो रेंज आया वो कितना आ गया, 1 से लेकर के e to the power pi by 2 क्लोज कर दो। ठीक है, तो अभी हम f of t का रेंज निकाल चुके हैं, मतलब fog x जो फंक्शन है उसका रेंज निकाल चुके हैं, और उसका रेंज जो है वो कितना है? 1 से e to the power pi by 2। बट अभी तक अपन ने इसका डोमेन के बारे में नहीं सोचे, तो सोचो ना। और ये जो कहानी हुआ ना, इस कहानी को समझने की कोशिश करो, ये कहानी कितना इंटरेस्टिंग है, क्या ये कहानी? ये कहानी तो वही कहानी है ना कि रेंज ऑफ जी फॉर फॉग टू बी डिफाइंड, रेंज ऑफ जी मस्ट बी द सबसेट ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। नहीं आ रहा है? जी का जो रेंज है वो डोमेन एफ ऑफ एक्स का डोमेन का सबसेट होना पड़ेगा, अंदर वाले का रेंज बाहर वाले का डोमेन का सबसेट होना पड़ेगा फॉर द कंपोजिशन टू बी डिफाइंड। तो यहां पे g का जो रेंज है वो परमिशन लेते वक्त रेस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब क्या? रेस्ट्रिक्शन का मतलब ही क्या?
कि जी पहले पहले इसका पूरा पूरा सबसेट नहीं था, अभी हम जी से जी का रेंज से वही हिस्सा परमिशन के थ्रू ग्रांट कर रहे हैं जो एफ का डोमेन का सबसेट है। ये वही कंडीशन यूज हो रहा है इनडायरेक्टली, जो अगर आप डेप्थ में सोचते हैं जो तार लगा करके पहला पेज में लिखा गया था कि रेंज ऑफ एफ एक्स मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स फॉर कंपोजिशन ग्राफ टू बी डिफाइंड। समझ आ रहा है कहानी? तो यही कहानी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर आप आगे सोचते हो तो कुछ इस प्रकार से चलेगा कि रेंज तो आ गया, अगर रेंज के बाद आप डोमेन पे सोचते हो तो आप बोलोगे कि ये रेंज मिला कितना डोमेन के लिए, एफ पूछा जाएगा कि तुम्हारे अंदर से कितना इनपुट गया था, एफ बोलेगा मेरे अंदर से इतना गया था। तो जैसे ही मैं सुनूंगा, मैं हूं एग्जामिनर, जैसे ही मैं सुनूंगा कि एफ के अंदर से इतना गया था, मैं सोचूंगा कि भाई अगर एफ के अंदर से इतना गया था तो बाकी का बाकी तो बेकार का चीज है ना, बाकी तो किसी काम ही नहीं आया, दैट इज माइनस पाई बाई टू से जीरो वाला जो है वो तो वेस्ट है पूरा पूरा, वो तो काम ही नहीं आया ना। तो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग तो जी पे अपन एक्स ढूंढेंगे, क्योंकि पूरा कंपोजिशन का जो डोमेन है वो किसका डोमेन पे डिसाइड करता है, एक्स का डोमेन पे। ये मत बोल देना हमेशा, ये पहले भी मत बोल देना, यहाँ पे बहुत सारे कहानी है कि फॉग एक्स का जो डोमेन है वो सर ने बोला है कि अंदर वाले का डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट है, अंदर वाले का डोमेन पूरा होगा या तो उसके कम होगा। देखो यहाँ पे पूरा पूरा नहीं हो सकता, यहाँ पे उठा करके ये मत बोल देना कि फॉग का डोमेन तो आर है, माइनस वन से वन होगा, क्यों? क्योंकि फॉग का डोमेन वही होगा जो अंदर वाले का डोमेन होगा। अरे भाई अंदर वाले का डोमेन बोलने का मतलब है कि उसका इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा आगे जा करके, सबसेट वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो कुछ कुछ कैंसिल होगा ना। तो मतलब का यहां तक जब मैं बैकवर्ड आ रहा हूं तो मतलब का यहाँ पे मेरे को काम का इस इंटरवल में काम का चीजें कितना मिला, जीरो से पाई बाई टू में। तो अभी इसी जीरो से पाई बाई टू के कोरिस्पॉन्डिंग एक्स जो होगा वही तो काम का डोमेन होगा ना, बाकी तो फालतू का चीज है, नहीं आ रहा है। तो जीरो से पाई बाई टू देख लो, जीरो से पाई बाई टू यहां पे, जीरो से लेकर के पाई बाई टू, उसके कोरिस्पॉन्डिंग ग्राफ ये है, वाई एक्सिस से ग्राफ पे गया और ग्राफ से एक्स एक्सिस पे आया, तो काम का डोमेन कितना आया, जीरो से लेकर के वन तक आया। समझ में आया? जीरो तो इंक्लूडेड नहीं है, तो जीरो पे क्या डाल देंगे, ऑपेंड डाल देंगे, और वन पे क्या डाल देंगे, क्लोज डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डोमेन ऑफ फंक्शन, ये हो गया आपका डोमेन ऑफ फंक्शन फॉग एक्स, ये हो गया आपका डोमेन ऑफ फंक्शन फॉग एक्स, और ये हो गया आपका रेंज ऑफ फंक्शन फॉग एक्स। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे अच्छे से। अभी अगर मैं इसके आगे बात करूं तो आप कुछ इस प्रकार से सोच सकते हो कि दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा गॉफ एक्स, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा गॉफ एक्स। अभी गॉफ एक्स के बारे में मैं समझा देता हूं। देखो अब खुद एक बार मैं इरेज करते करते अब खुद एक बार गॉफ एक्स को ट्राई करके देखो, पॉज करके है गॉफ एक्स को खुद सोचने की कोशिश करो। गॉफ एक्स देखो, गॉफ एक्स अगर चाहिए तो वही डायग्राम अगर मैं बना देता हूं, यहाँ पे एक्स है, अंदर में क्या आएगा, जो अंदर में है वो पहले आएगा एफ, फिर कौन आएगा, जी आएगा, और फिर आउटपुट निकालेगा, ठीक है। यहाँ पे एफ का डोमेन क्या है, आर प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर प्लस आ जाएगा, ठीक है। और एफ है कौन, एफ टू ई टू दी पावर एक्स है ना, समझ में आ रहा है मेरी बात। और जी कौन है, साइन इनवर्स एक्स। अभी ध्यान से देख, आर प्लस अगर डालेंगे एफ के थ्रू तो कोई परमिशन लेने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये आर प्लस जो है वो एफ का ही डोमेन है। तो आर प्लस अगर डालेंगे, आर प्लस अगर डालेंगे तो डोमेन कितना आ रहा है, F का वैल्यू e टू दी पावर x का रेंज कितना आ रहा है, ये देख, R प्लस इस जगह के लिए ग्राफ ये है और इस ग्राफ का शेडो y एक्सिस में इतना सा है, तो कितना आया, 1 से इंफिनिटी आया। अगर 0 होता तो 1 पे क्लोज होता, बट R प्लस में 0 नहीं होता है, इसीलिए इस जगह पे fx जो आएगा जिसको हम t मान लेंगे वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 1 से ओपन 1 से इंफिनिटी। समझ में आया? अभी वही कहानी चलेगा ना भाई, 1 से इंफिनिटी। अभी जी कौन है, साइन इनवर्स। समझ में आया? अभी आपको चाहिए क्या, यहाँ पे गॉफ एक्स चाहिए, गॉफ एक्स चाहिए, इसका मतलब है आपको क्या चाहिए, जी ऑफ टी चाहिए। समझ में आ रहा है? जी ऑफ टी चाहिए, जहां पे टी का वैल्यू पता है। अभी इस टी को मुझे जी के थ्रू पास कराने के लिए जी का परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं आया, जी टी को जी के थ्रू पास कराने के लिए जी का परमिशन लेना पड़ेगा। जी को बोलूंगा चेक करो भाई तेरा डोमेन, जी बोलेगा मेरा डोमेन तो बहुत ही छोटा है, माइनस वन से वन क्लोज्ड है। मैं बोलूंगा कि माइनस वन से वन क्लोज अगर है आपका डोमेन जी, तो टी का तो कोई भी वैल्यू आपके साथ मैच ही नहीं हो रहा है,
नहीं आ रहा है। टी का कोई भी वैल्यू आपके साथ मैच ही नहीं हो रहा है। अगर टी का कोई भी वैल्यू आपके साथ मैच ही नहीं हो रहा है तो टी का किसी भी वैल्यू को मैं इसके थ्रू पास ही नहीं कर सकता। टी का किसी भी वैल्यू को मैं इसके लिए इसके थ्रू जी के थ्रू पास ही नहीं कर सकता। अगर टी का किसी भी वैल्यू को जी के थ्रू पास ही नहीं कर पाया तो आउटपुट कहां से निकलेगा? यानी कि इसका मतलब है कि ये जो गॉफ है उसका कोई आउटपुट नहीं होगा, मतलब गॉफ फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही नहीं होगा, मतलब गॉफ फंक्शन जो है वो यहां पे डिफाइंड ही नहीं होगा। सो नो कमेंट्स ऑन डोमेन एंड रेंज ऑफ कौन गॉफ एक्स। समझ में आया? गॉफ एक्स यहां पे आपका डिफाइंड ही नहीं होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी इसी के साथ साथ समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको वो क्वेश्चन बता देना चाहता हूं कि वो जो 27 नंबर क्वेश्चन था ना आपका, हाँ हाँ 27 नंबर क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन में आप देख सकते होंगे कि एफ एक्स जी एक्स दो बाइसेक्टिव फंक्शन है। एफ जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है? ए बी सी डी से लेकर के 1 2 3 4 है ना। और जी जो है खुद से करेगा क्या? ये कर दू, ट्राई करके देख लेना, पॉज करके कर देता हूं, लिख लिया तो कर ही देता हूं। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एफ यहां से यहां तक है और जी यहां से यहां तक है। बोलता है कि गॉफ एक्स का रेंज में कितना एलिमेंट होगा बताओ। ठीक है, गॉफ एक्स का रेंज पे कितना एलिमेंट होगा बताओ। तो यही प्रॉब्लम हम सोचो ना, इसी प्रॉब्लम को सोचो, है ना। गॉफ एक्स मतलब यहां पर क्या होगा? गॉफ मतलब यहां पर एफ होगा, यहां पर जी होगा। अभी इधर इनपुट में कौन आ रहे? एबीसीडी, एबीसीडी इनपुट में आ रहे। फंक्शन के बारे में एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं, बस इतना सा पता है कि बाइसेक्टिव है। ठीक है, तो एबीसीडी अगर इनपुट में आ रहा है, यहां पे अगर एबीसीडी इनपुट में आ रहा है चारों के चारों, तो कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4, मतलब आउटपुट में जो भी आएगा वो 1 2 3 4 का कुछ ना कुछ सबसेट होगा। ठीक है, अभी मान लेता हूं मैं फंक्शन तो पता नहीं, तो एग्जैक्ट आउटपुट तो निकाल नहीं पाता हूं, है ना। एक्सैक्ट आउटपुट आप कैसे निकालोगे क्योंकि फंक्शन तो आपको पता नहीं ना। तो मान लो यहाँ पे कुछ भी आएगा, जो भी आएगा 1 2 3 4 का सबसेट होगा। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा कि इसको ही जी के थ्रू पास करा के गॉफ एक्स निकालना है मुझे। ठीक है, तो इसको जब जी के थ्रू पास कराने जाऊंगा तो जी का परमिशन लेना पड़ेगा, और जी का अगर मैं परमिशन लू तो जी बोलेगा कि भाई देखना 3 4 5 6 छोड़ के कुछ भी मेरे थ्रू पास मत कराना। मैं बोलूंगा अच्छा, आपके थ्रू अगर 3 4 5 6 के अलावा कुछ भी पास नहीं हो सकता है तब तो 1 और 2 बेकार है। तब तो यहां पे जो हमारे पास चार पॉसिबिलिटी दिख रहा है 1 2 3 4, एफ का आउटपुट का पॉसिबिलिटी दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी दिखेगा? 1 2 3 4, चार पॉसिबिलिटी दिखेगा ना, उसमें से ये दोनों तो बेकार है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो जी का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सबसेट वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जी बोलेगा अगर मेरे थ्रू पास कराना चाहते हो तो 2 ही पास कराओ, 3 और 4। तो मैं साथो साथ जी के थ्रू किसको पास करा दूंगा? 3 और 4 दो को पास करा दूंगा। अभी आपको ये भी पता है कि जी जो फंक्शन है वो भी क्या है? एक बाइसेक्टिव फंक्शन है, मतलब वो भी 1 1 होगा। और अगर वो 1 1 होता है तो 3 और 4 से 3 और 4 के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे कभी ऐसा काम तो नहीं चल सकता ना कि 3 और 4 इन चारों में से किसी भी एक के पास, मान लो डब्ल्यू के पास चला गया, नहीं हो सकता ऐसे। या फिर दोनों के दोनों वाई के पास चला गया, ऐसे तो नहीं हो सकता। बिकॉज अगर ऐसे हो गया तब तो जी मैनिवल हो जाएगा, जो कि वो हो नहीं सकता है। तो जी अगर 1 1 है तो क्या होगा? जी अगर 1 1 है तो क्या होगा? 3 और 4 दो अलग अलग एलिमेंट के पास जाएगा, बिकॉज जी इज 1 1। समझ में आया ना? तो गॉफ का जो रेंज निकलेगा वो ये 3 और 4 के कोरिस्पॉन्डिंग भी यहां से कितना आउटपुट निकलेगा? 2 आउटपुट निकलेगा। यानी कि गॉफ एक्स का जो रेंज होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब काफी कंसेप्चुअल एकदम डेप्थ में जाने वाला बात है कंपोनेंट फंक्शन का। ठीक है, काफी क्वालिटी क्वेश्चन है ये सब, और अगर आप ध्यान से करते हैं तो भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, आप मैं तो आपको जितना वीडियो लेक्चर्स के थ्रू समझा पाया, क्लास में अगर होता तो शायद और बेहतर तरीके से कहीं गुना अच्छे से समझा पाता। ठीक है, कहीं गुना अच्छे से आप भी सवाल पूछते, यहाँ पे सवाल पूछने का कोई तरीका नहीं, मजा भी नहीं आता है उतना। ठीक है, क्लास में अपन सारी चीज अपन फिर से बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, इतना डिटेल में नहीं करेंगे बट एक बार रिविजन जरूर करेंगे, है ना, और तब आप सवाल पूछेंगे। खैर, क्लास तक का इंतजार नहीं करना है, अभी आप जितना परेशान कर सकते हैं मुझे उतना ही मैं खुश रहूंगा। ठीक है, तो आपको जितना सवाल आपके मन में आता है साथों साथ आप फोन कीजिए। हाँ, सुबह कुछ बच्चों ने मुझे फोन किया था लेकिन मैं फोन उठा नहीं पाया क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में था, है ना। और मेरे को शाम के टाइम में आप कभी भी, या फिर रात को 3 बजे हर दिन जगा रहता हूँ, कभी भी फोन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, करके पूछिए। आपके मन में अगर मैं एक चीज सोचता हूँ तो आपके मन में 10 सवाल आने चाहिए, और वो 10 सवाल आए वो मैं चाहता हूँ। अगर नहीं आता है आप गलत सीख रहे हो, अगर आता है बहुत अच्छी बात है, क्लियर होगा, आपका भी होगा मेरा भी होगा।
और चीजों जो है वो और भी क्लियर होता जाएगा दोनों का, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को अच्छे से एक बार मैं टाइम देता हूँ, नोट कर लीजिए आप, है ना, और नोट करने के बाद और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज पीछे हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है सर। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 26-27 तक हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 में क्या बोल रहा है, 28 में ये बोल रहा है कैपिटल एक्स आपके पास एक सेट है A1, A2 से लेकर के कहां तक A6 तक एक सेट है, और कैपिटल वाई भी आपके पास एक सेट है B1, B2, B3, ठीक है। देन नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम x टू y सच दैट इट इज ऑन टू एंड देयर आर एग्जैक्टली थ्री एलिमेंट्स कैपिटल x, स्मॉल x एंड कैपिटल x सच दैट fx इक्वल टू b1। मतलब कहानी क्या है, पूरा पूरा नंबर ऑफ फंक्शन कैलकुलेशन का कहानी है। यहाँ पे टोटल कितना एलिमेंट है, A6 एलिमेंट है, और यहाँ पे हो गया आपका B1, B2, B3, ठीक है। बोलता है यहाँ पे तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली B1 से रिलेट हो रहा है। मैं मान लेता हूं डायरेक्टली पहला तीनों एलिमेंट किससे रिलेट होता है, B1 से। तो अगर उन आपको तो पता नहीं कि पहला तीनों हो रहा है या फिर कौन सा तीनों हो रहा है, तो यहाँ पे छह एलिमेंट है, तो उन छह में से आप तीन को सिलेक्ट कीजिए। उन तीनों को B1 से रिलेट कराने का तरीका कितना हो गया, एक ही तो तरीका है ना, प्रोडक्ट तो लगेगा, काउंटिंग प्रिंसिपल आपको पता है। बट 63 इंटू 1 का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है ना, कि तीनों के तीनों एक में जाकर के रिलेट हो रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि एग्जैक्टली थ्री एलिमेंट, इसीलिए तो तीन रिलेट करा है, सच दैट fx इक्वल टू b1, मतलब x का एग्जैक्टली तीन वैल्यू के लिए आउटपुट सेम आ रहा है। That is, आप मान सकते हो f of 1, 1, a1, a2, a3, ये तीनों b1 दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है, या फिर कोई भी तीन हो सकता है, इसीलिए हमने 63 लिखा। अभी जो रिमेनिंग 2 है इधर, और इधर रिमेनिंग 3 बचता है, इधर 3 है, इधर 2 है, ठीक है, और आपको बोला है ऐसे आप फंक्शन बनाओ सच दैट इट इज ऑन टू, सच दैट इट इज ऑन टू, तो बस ऑन टू बनाना है। अभी क्या करना है, देखो ऑन टू फंक्शन का कैलकुलेशन बीच में घुस गया, देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्टिंग चीज है, सिर्फ ऑन टू फंक्शन का कैलकुलेशन ही नहीं, एडवांस में ये पैटर्न नहीं पूछा अभी तक, ठीक है, ऑन टू फंक्शन का कैलकुलेशन तो पूछा, बट ऑन टू फंक्शन का कैलकुलेशन बीच में घुस गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग 3 बचता है, उन तीनों को 2 में किस प्रकार से आप ऑन टू बनाओगे, 3 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो सच दैट कोई भी एम्प्टी ना रहे। उसका दो ही तरीका है, एक को 2 मिल जाए, एक को 1 मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1 × 2, 2 को 2 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 2 × ये कैंसिल, ये हो गया आपका 6, और ये हो गया आपका 6 × 6 × 4 × 6, हाँ 20, तो 20 × 6 हो जाएगा 120, ठीक है। तो टोटल 120 फंक्शन जैसे पॉसिबल होंगे, जहां पे एग्जैक्टली एक्स सेट का तीन एलिमेंट B1 के साथ रिलेट हो रहा है, और रिमेनिंग 3 के 3 B2 B3 के साथ रिलेट हो रहा है, सच दैट फंक्शन ऑन टू बन रहा है, मतलब B2 B3 दोनों के दोनों रिलेट हो रहा है, इसीलिए हमने 3 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया इन सच ए वे दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। याद है ना बॉक्स वाला कंसेप्ट जो बताया था, बस वही चीज है। तो ये एक अगर आप नंबर ऑफ फंक्शन समझे होंगे उस दिन, तो ये आपसे हो जाना वाला, तो 120 है, तो डी ऑप्शन होगा आंसर, है ना, डी ऑप्शन है करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगला क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, तो अगला क्वेश्चन है ये भी, बोला है कि y इज इक्वल टू fx, इसका डोमेन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू fx जो है इसका डोमेन दिया हुआ है -3 से लेकर के 2, ठीक है, इसका डोमेन दिया हुआ है -3 से लेकर के 2। तो आपको इस चीज का डोमेन निकालना है, आपको इस चीज का डोमेन निकालना है, जी एक्स का डोमेन निकालना है, ठीक है। तो f का डोमेन है -3 से 2, तो g का डोमेन निकालना है, g का डोमेन कौन है, ये x का वैल्यू हो जाएगा g का डोमेन, ऑब्वियस चीज है ना। अब ध्यान से सोचो ना कि अगर मैं f of 2x plus 3 का डोमेन पूछता हूं f का डोमेन देकर के, ये तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन ही है, ये f और 2x plus 3 एक और फंक्शन है जिसका कॉम्पोजिशन है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे f और मल्टीप्लस ऑफ बॉक्स x एक फंक्शन है, मान लो ये एक और फंक्शन है hx, यहाँ पे f और hx का कॉम्पोजिशन है, तो ये कॉम्पोजिशन का ओवरऑल जो डोमेन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एकदम अंदर वाले का डोमेन कौन है, x के ऊपर डिपेंड करेगा, तो g का जो डोमेन है वो हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। बट अभी x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन क्या है, f का डोमेन दिया हुआ है, समझ में आ रहा है मेरी बात, f का डोमेन आपको दिया गया है, तो f का डोमेन क्या है,
माइनस थ्री से टू, तो f के अंदर जो भी लिखेंगे वो f को पूछ के लिखना पड़ेगा, मतलब f का डोमेन को सेटिस्फाई करा के लिखना पड़ेगा, मतलब मॉड्यूलस ऑफ बॉक्स x जो होगा वो माइनस थ्री से टू के बीच में होगा, इक्वालिटी लगाए क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, समझ में आ रहा है ना। अभी मॉड्यूलस का वैल्यू तो माइनस थ्री से टू कभी होगा नहीं क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो अपना आप ये खुद ब खुद, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद जीरो पे आके रुक जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा और नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये जीरो से बड़ा है तो ये वाला पार्ट तो बेकार है, ये जीरो से बड़ा हो या फिर माइनस थ्री से बड़ा, ये तो हमेशा होता ही है, इसको छोड़ दो आप। मॉड्यूलस ऑफ समथिंग इज लेस देन इक्वल टू टू, मतलब उसका वैल्यू जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, माइनस टू से टू के बीच में होगा। और आपको ये पता है कि ये बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स माइनस टू से टू के बीच में है, मतलब बॉक्स एक्स का कितना पॉसिबिलिटीज होगा, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, ये पांच पॉसिबिलिटीज होता है। अगर बॉक्स एक्स ये पांच पॉसिबिलिटी लेता है तो एक्स का पॉसिबिलिटी क्या आएगा, ऑब्वियस है माइनस टू से कहां तक होगा, थ्री ओपन तक होगा। ये तो पढ़ा दिया ना जीआईएफ में, ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन में क्लास 11 फंक्शन पार्ट 1 में तो अच्छे से ये सब पढ़ा दिया था, समझ में आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि देखो माइनस 2.1 अगर लेंगे तो बॉक्स आ जाएगा, माइनस 3 हो नहीं सकता, और अगर मैं 3 एग्जैक्टली ले लूं तो भी बॉक्स आ जाएगा 3, बट 2.9 का बॉक्स भी 2 होता है जो कि ये है, इसीलिए ये हो गया आंसर, है ना। तो इस जी फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 2 से 3, और जो कि है ये अंदर वाला x, ये कॉम्पोजिशन है, इस चीज को समझने का कोशिश करो, है ना। एफ ऑफ एच ऑफ एक्स सोच सकते हो, जहां पे ये जो x है वो हो गया पूरा पूरा कॉम्पोजिशन का डोमेन, ठीक है। और उस डोमेन को निकालने के लिए हमने f का डोमेन को यूज किया जो कि क्वेश्चन में गिवन है और देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने वराइटीज ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया कॉम्पोजिशन और फंक्शन के ऊपर बेस करके, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं देखूं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन है हमारे शीट में, देख लेते हैं। ठीक ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ हाँ हाँ, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन मिला, 38, ठीक है 38, बाकी 39 आप कर सकते हो, 40 से तो इनवर्स चालू हो गया, 39 तक है क्वेश्चन कॉम्पोजिशन का एक्सरसाइज 3 में, 39 आप करोगे, ये तो मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, पता नहीं यहाँ पे क्यों आ गया। 37 आपका हो गया, 36 आपका है, 35 भी आपका है, 34 आपका है, हो गया सारे कंसेप्ट हो गया। अभी उसी कंसेप्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है जो आप करोगे, 33, 32, हाँ सारे सारे हो गया, 31 हो गया, 38 मैं कर देता हूँ, और 30, हाँ 30 तो वो वाला पार्ट बोला था ना जो डोमेन रेंज एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये तो एक तो मैंने e^x sin इनवर्स x वाला कंटीन्यूअस फंक्शन वाला करा दिया था, और अभी एक पीस वाइज फंक्शन करता हूं जहां पे फंक्शन डिफाइंड होकर के आता है, जहां पे थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, उसमें ग्राफ वगैरह भी बनाएंगे। तो चलो अच्छे से अपन 30 और 38 को सॉल्व कर लेते फटाफट, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। तो आप ध्यान से देखो, हम यहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को पहले सॉल्व कर देते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। 30 में आप देख सकते हो कि fx का इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, fx का इंट्रोडक्शन आपके पास है ऑलरेडी, और gx भी दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, जाएगा fx है आपके पास, क्या है fx, x प्लस वन और इधर है x, ठीक है। ये है आपका x बिलोंग्स टू माइनस टू से लेकर के 3 तक, और यहाँ पे है आपका x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास gx भी है, gx कितना है आप देख सकते हो, x स्क्वायर है और यहाँ पे रूट x है, तो x स्क्वायर कब होगा, जब x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0, और रूट x कब होगा, जब x का वैल्यू इंफिनिटी से 0। आपको चारों चीज पूछा जा रहा है, फॉग एक्स भी निकालना है, गॉफ एक्स भी निकालना है, ठीक है, गॉग एक्स भी निकालना है, फॉग एक्स भी एफ ओ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो मैं दो पार्ट कर देता हूं, फॉग और गॉग करता हूं, दो पार्ट आप खुद से करोगे, ठीक है। देखो प्रॉपरली कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे, है ना। वाह, ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान से सोचो, ठीक है। सबसे पहले अपन सोचते किसके बारे में, फॉग, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो, बहुत जने इसको अलग अलग तरीके से करते हैं, बट मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप करो, ठीक है। देखो
फॉग एक्स बनाना है आपको, फॉग एक्स बनाना मतलब क्या, जी को एफ के अंदर डालना है या एफ को जी के अंदर डालना है, ऑब्वियसली जी को एफ के अंदर डालना है, समझ में आ रहा है। चलो तो जी को अगर एफ के अंदर डालू तो सबसे पहले जी का हिस्सा कौन है, ये वाला, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं एक्स स्क्वायर को यहां पर रखता हूं तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ध्यान दो भी, ध्यान दो, ये कब होगा, जब एक्स स्क्वायर को आप यहां पर रख रहे हो तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, बट एक्स स्क्वायर यहां पर बैठने के लिए इस जगह का जो हैसियत है उसको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर जो होगा उसको माइनस टू से थ्री के बीच में तो होना पड़ेगा ना, इस जगह का डोमेन को तो सेटिस्फाई करना होगा, नहीं आ रहा है, समझ में आया, ये एक्स स्क्वायर इस जगह पे बैठ रहा है तो इस जगह का कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर में ये जो एक्स है वो भी अपना खुद का एक डोमेन लेकर के चलता है हमेशा, तो इसके साथ इंटरसेक्शन में जाएगा माइनस इंफिनिटी से जीरो, समझ में आया ना, ठीक है, इसके साथ इंटरसेक्शन में बेसिकली कौन जाएगा, एक्स स्क्वायर तो नहीं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो, समझने की कोशिश करो, बार बार में बोल रहे हो, एक्स स्क्वायर जी को एफ के अंदर घुसा रहे हो तो जी को एफ के अंदर घुसाओगे तो परमिशन तो लेना पड़ेगा ना, तो जी बोले एफ बोलेगा कि अगर आप मेरे अंदर आना चाहते हो तो मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई करो, तो एक्स स्क्वायर बोलेगा आपका कंडीशन क्या है, जी एक्स बोलेगा कि मेरा कंडीशन है माइनस टू से थ्री, तो एक्स स्क्वायर ने बोला ठीक है मैं बैठ जाता हूं और माइनस टू से थ्री को सेटिस्फाई कर देता हूं, और जी बोलेगा कि मैं आपके अंदर आया तो मेरा भी तो कुछ बचा कुछ सामान होगा ना, वो सामान ये है माइनस इंफिनिटी से जीरो, समझ आता मेरी बात, बस हो गया, अभी एक्स स्क्वायर यहां पर तो हो गया, यहां पर बैठेगा एक्स स्क्वायर आगे, अगर ये यहां पे बैठा तो यहां का कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, और उसका खुद का समान तो है ही माइनस इंफिनिटी से जीरो, ठीक बात है। अभी रूट एक्स पे आते हैं, क्योंकि जी एक्स का दो हिस्सा है, एफ एक्स का भी दो हिस्सा है, तो रूट एक्स जब यहां पर जाकर के बैठेगा तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन, और रूट एक्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा माइनस टू से थ्री, इंटरसेक्शन रूट एक्स का भी खुद का कुछ ना कुछ समान होगा जो कि है जीरो से इंफिनिटी आपको दिख रहा है, और रूट एक्स जब यहां पर बैठेगा तब तो रूट एक्स ही रहेगा, और रूट एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका थ्री से इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, साथो साथ उसका खुद का समान रहेगा जो कि है जीरो से इंफिनिटी, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। अभी चलो इस चीज को अपन सॉल्व करते हैं अच्छे से, है ना, अभी सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू से थ्री लिखना तो बेकार है ना, माइनस टू से बड़ा तो ऑब्वियसली होगा, इस चीज को पहचानने की कोशिश करो ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू से थ्री ये तो बेकार है लिखना, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है होगा ही होगा माइनस टू से बड़ा, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू थ्री उसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस रूट थ्री से रूट थ्री, इतना सा इनइक्वालिटी पक्का होना चाहिए, ग्रिप में होना चाहिए, अदरवाइज ये सब मत करो, ठीक है, इतना सा इनइक्वालिटी ग्रिप में होना चाहिए, तो एक्स माइनस रूट थ्री से रूट थ्री है, और इधर एक्स बोल रहा है कि मैं तो नेगेटिव हूं हमेशा, मैं तो हमेशा नेगेटिव हूं, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के जो एक्स का इंटरवल आ रहा है वो क्या आ रहा है माइनस रूट थ्री से लेकर के कहां तक जीरो तक आ रहा है, जीरो पे भी इक्वालिटी नहीं आएगा क्योंकि यहां पे छोड़ दिया जीरो को, समझ में आ रहा है। अभी एक्स स्क्वायर अगला आंसर ये कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर थ्री से इंफिनिटी, और आपको इतना सा समझ आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर थ्री से इंफिनिटी मतलब एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट थ्री यूनियन रूट थ्री से इंफिनिटी, समझ आता है मेरी बात, क्लियर है ना, कर सकते एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन थ्री का सॉल्यूशन यही तो होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स प्लस रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री, तो रूट थ्री से बड़ा या फिर माइनस रूट थ्री से छोटा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, समझ में आ रहा है, तो ये माइनस रूट थ्री से जीरो, तो ये हो गया है ना, और ये बोल रहा है नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो इस इंटरवल को छोड़ देगा, इसको ले लेगा, तो एक्स का आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया एक्स का आंसर, इसका और इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट थ्री हो जाएगा, आ रहा है समझ में, क्लियर है। चलो आगे देखो, रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स प्लस वन कब होगा, रूट एक्स का वैल्यू माइनस टू से थ्री, ये भी तो लिखना बेकार है ना, क्योंकि रूट एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बस माइनस टू से बड़ा तो हमेशा होगा, तो रूट एक्स लेस देन थ्री वाले कंडीशन को ले लो, तो एक्स क्या मिल जाएगा, एक्स क्या मिलेगा आपको, इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए जीरो से बड़ा तो होना ही पड़ेगा ना, तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो से नाइन हो जाएगा, यहां से सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से नाइन, और ये बोल रहा है जीरो से इंफिनिटी, तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो से नाइन तक हो जाएगा, नाइन पे क्लोज आएगा, बराबर नाइन पे क्लोज आएगा, क्योंकि एक्स थ्री हो सकता है तो रूट एक्स थ्री हो सकता है, तो एक्स नाइन हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, इसका आंसर कब आएगा, जब एक्स आपका क्या हो जाएगा, नाइन से इंफिनिटी हो जाएगा, और ये बोल रहा है जीरो से इंफिनिटी, समझ में आया ना, तो इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, नाइन ओपन से लेकर के कहां तक इंफिनिटी, समझ में आया, क्लियर है। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा फंक्शन का
डेफिनेशन है ना, ये हो गया आपका पूरा पूरा फॉग एक्स का डेफिनेशन। एफ एक्स जी एक्स दिया था, उस जगह से आपने क्या निकाल दिए, फॉग एक्स निकाल दिए। अभी आप इस फॉग एक्स को ना प्लॉट करो, ठीक है, आपको ना इस प्रोफाइल में क्वेश्चन वही दिया जाएगा ना जिसका आप ग्राफ वगैरह थोड़ा बहुत बना सकते हो, क्योंकि यहां से रेंज निकालने के लिए आपको क्या डोमेन तो मिलेगा। देखना डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट थ्री है, रूट माइनस रूट थ्री से जीरो है, यहाँ पे माइनस रूट थ्री मिस हो गया था, यहाँ पे आ गया जीरो, यहाँ पे मिस हुआ तो यहाँ पे आ गया जीरो से नाइन, और नाइन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मिस हो गया नाइन से इंफिनिटी। मतलब डोमेन तो पूरा पूरा फॉग एक्स का जो डोमेन है वो तो आर है, पूरा पूरा पता ही चल रहा है क्योंकि पूरा रियल आ गया है ना। अभी हम किसके बारे में सोचेंगे, अभी उसका रेंज के बारे में सोचेंगे, और अगर उसका रेंज के बारे में आपको सोचना है तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, और इसका ग्राफ आप तभी बना सकते हो जब आपका फंक्शन जो है वो काफी सिंप्लीफाइड है। समझ में आया ना, जब काफी आपको सिंप्लीफाइड ग्राफ दिया जाएगा तभी तो आप उसको बना सकते हो ना, ऑब्वियस चीज है। समझ में आ रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लीनियर ज्यादातर क्वाड्रेटिक या फिर कॉन्स्टेंट ही दिया जाता है, समझ में आ रहा है ना। वैसे के लिए इतना कुछ आईटी पूछता नहीं है, आईटी का ऊपर का लेवल है, इतना कुछ पूछता नहीं क्योंकि काफी कैलकुलेटिव हो जाता है, ऐसे पूछा तो जा सकता है बट कैलकुलेटिव हो जाता है, टाइम वेस्टिंग है, इसीलिए नहीं पूछा जाता, आज तक पूछा नहीं है बट आगे पूछ सकता है, आप करके रखिए। तो अगर मैं अभी फॉग एक्स का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, देखो ध्यान से है ना, चेहरा किस प्रकार से चेंज हो रहा है, देखो माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट थ्री तक एक कहानी, माइनस रूट थ्री से जीरो तक एक कहानी, जीरो से नाइन तक एक कहानी, और नाइन के बाद पूरा पूरा अलग कहानी। समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट थ्री में क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्लियर है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, अपवर्ड पैराबोला है ना। बट मुझे यहां तक तो मैं इधर तो ला ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर को कहां पे रोकना पड़ेगा, यहां पे रोकना पड़ेगा, यहां पे रोकना पड़ेगा ना एक्स स्क्वायर पे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा। समझ में आता है आपको, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर का ग्राफ पूरा पूरा होता है, बट हमें कौन सा इंटरवल में एक्स स्क्वायर मिला है, सिर्फ माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट थ्री में। तो माइनस रूट थ्री में अगर मैं एक्स स्क्वायर को देखू तो माइनस रूट थ्री में, अच्छा ये थ्री आएगा, हाँ थ्री आएगा, तो ये हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इधर मैं ला ही नहीं सकता क्योंकि इधर ये सारे इंटरवल में फंक्शन अलग है, ठीक है। अभी मैं माइनस रूट थ्री से जीरो पे देखता हूँ, माइनस रूट थ्री से जीरो, देखो यहाँ पे मैं ओपन डालूंगा, यहाँ पे क्या डालूंगा, ओपन डालूंगा, क्यों, क्योंकि माइनस रूट थ्री पे यहाँ पे ओपन है, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लोज डालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो एक्स स्क्वायर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन का पार्ट थ्री का सेकंड टॉपिक, उसी में आप सीख जाओगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वन वगैरह कैसे बनाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दिलाता हूँ, एक्स स्क्वायर अगर आपको पता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, वन यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दोगा, वन यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दो ग्राफ को, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन चाहिए तो वन यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो, हो गया काम। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर ओरिजिनली आप बनाते पूरा पूरा इंटरवल में तो क्या बनाते, जीरो पे तो वन देता, तो आप कुछ इस प्रकार से बना देते ग्राफ, है ना, जो जीरो के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक हो रहा था अभी वो वन के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक हो रहा होगा, ठीक है। बट एज आपको पूरा पूरा जगह पे नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ कहां पे बनाना है आपको, इस इंटरवल में बनाना है। तो जीरो पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन कितना दे रहा है, वन दे रहा है, तो यहां से आप स्टार्ट करोगे, ये हो गया आपका वन, ठीक है। और माइनस रूट थ्री में कितना देगा, थ्री प्लस वन फोर देगा, तो फोर जस्ट इसका ऊपर होगा, है ना, फोर जस्ट इसका ऊपर होगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आपका ग्राफ हो जाएगा ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आया मेरी बात, है ना। तो ये हो गया माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट थ्री, और माइनस रूट थ्री से जीरो पे ग्राफ, समझ में आया। अभी आपको बनाना है जीरो से रूट नाइन में, जीरो से कहां पे बनाना है, नाइन में बनाना है, ठीक है। जीरो से नाइन में आप देख सकते हैं रूट एक्स प्लस वन, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, यहां से वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, प्लस माइनस रूट एक्स होता है, प्लस माइनस रूट एक्स अगर होगा तो पूरा आएगा, अगर रूट एक्स होगा तो ऊपर का होगा, अगर माइनस रूट एक्स होगा तो सिर्फ नीचे का होगा, समझ में आ रहा है ना। तो y is equal to root x का ग्राफ ये होता है जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से सिखा दिया गया है, y is equal to root x का ग्राफ ये होता है, ठीक बात है। अभी आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे रूट एक्स नहीं चाहिए, आपको रूट एक्स प्लस वन चाहिए, मतलब ये भी वन यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये वन यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये भी कहां से, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ये कहां से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है, ये भी कहां से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा। तो वन से अगर स्टार्ट होता है और स्टार्ट होकर के ये कहां ऐसे चला जाएगा ना, इंक्रीजिंग होकर के, बट पूरा तो जा नहीं सकता है क्योंकि नाइन के बाद फंक्शन का चेहरा वापस चेंज हो जाएगा। तो नाइन पे देखो ये कितना आएगा, थ्री प्लस वन फोर आएगा, ठीक है। तो ये कहां तक जाएगा, नाइन तक ये इंक्रीज करेगा, और कहां तक इंक्रीज करेगा, फोर तक इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, फोर तक, फोर के अबव वो नहीं जा सकता है, मतलब यहां से यहां तक जीरो पे वो वन हो रहा है, जीरो पे वन हो रहा है और नाइन पे फोर हो रहा है, तो यहां से यहां तक उसका नेचर हो जाएगा ऐसे, ठीक
ठीक बात है, यहां से यहां तक उसका नेचर हो जाएगा ऐसे, है ना। उसके बाद यहां पे भी डॉट दिया क्योंकि 9 पे क्या है क्लोज है, 0 पे भी क्लोज है तो यहां पे भी डॉट है, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। और इसके लिए हाँ, इसके लिए 0 पे ओपन है तब तो ये जो है ये पूरा पूरा यहां पे आकर के मेंटेन नहीं कर सकता, ये यहां पे ओपन रहेगा, ठीक है। बट ये जो होगा वो यहां से ही स्टार्ट होगा, ये जो होगा वो यहां से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके लिए ओपन हो जाएगा 0 पे, इसके लिए क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी 9 के बाद देखो, 9 के बाद रूट एक्स है, 9 पे कितना मिलता, 9 पे तो 3 मिलता ना, 9 पे कितना मिलता, 3 मिलता। अभी 9 पे तो ओपन है ना, 9 पे ओपन है तो यहां पे भी आप क्या लगा दो, ओपन लगा दो, और सिमिलर नेचर में होगा ना ग्राफ, यहां से इंक्रीज करता हुआ ऐसे जाता, हो गया, ये हो गया आपका पूरा पूरा फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा पूरा फॉग एक्स फंक्शन का ग्राफ। अभी आप ध्यान से देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से प्यारा क्वेश्चन है, आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो कि फॉग एक्स का ग्राफ वगैरह तो आपने सब कुछ बना दिया सर, डोमेन तो इसका पूरा पूरा क्या दिख रहा है, डोमेन इसका पूरा पूरा आर दिख रहा है, बट जो रेंज है, बट जो रेंज है वो हमें 1 से ∞ दिख रहा है, क्योंकि 1 के नीचे तो ग्राफ गया ही नहीं ना, रेंज कौन देता, वाई एक्सिस देता है ना, तो वाई एक्सिस में आप चेक करो ना कि 1 के नीचे तो ग्राफ आया ही नहीं, ग्राफ तो 1 पे ही रुक गया, 1 पे ही समेट गया, तो रेंज जो हो जाएगा इसका तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के ∞ हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहां पे जाकर खत्म होगा, ∞ में जाकर के खत्म होगा, 1 के नीचे ग्राफ का कोई हिस्सा आया ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको पीस वाइज डिफाइंड अलग अलग इंटरवल में डिफाइन किया गया फंक्शन अगर दिया गया है तो उसका कंपोजिशन का डोमेन तो, और डोमेन निकालने के लिए इतना तक करना सफिशियंट है, बट रेंज निकालने के लिए आपका फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और काफी मैनेज हो जाता है। आप देखे होंगे कि 10 से 15 मिनट आसानी से लग जाएगा किसी भी बच्चे को, अगर बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस है तो भी 7-8 मिनट लग जाएगा आपको करने में, ठीक है। और इसीलिए ये प्रोफाइल आईडीजी में उतना फेमस नहीं है, पूछा नहीं जाता है, खैर कभी भी पूछा जा सकता है, आईटी आजकल काफी लंबी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 2019 का पेपर भी आप देख सकते हो, काफी डेंजरस था जो रूडकी ने पूछा है, और काफी मैट्रिसेस का काफी गंदे गंदे क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव है, हालांकि इतना कंसेप्चुअली गंदा नहीं था बट कैलकुलेटिव काफी ज्यादा होने की वजह से वो गंदा माना जाता है, इसीलिए ये प्रोफाइल भी आ सकता है कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्मेट में, तो आप इससे वाकिफ रहिएगा, मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, ठीक है। तो फॉग तो एक मैंने बना दिया, ठीक है। अभी आप आराम से कैलकुलेट करके क्या निकालेंगे, गॉफ निकालेंगे, गॉग निकालेंगे और एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना। एफ ऑफ एक्स में कुछ ही नहीं लिखना है, एफ ऑफ एक्स में कुछ ही नहीं लिखना है, एफ एक्स को ही यहाँ पे लगाना है, ठीक है। एफ एक्स को ही 2-2 बार लिखो और जैसे जैसे मैंने सिखाया वैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक है। इसको इसमें इसके जगह पे पुट करके इसका घर का कंडीशन को सेटिस्फाई करो और खुद का जो सामान है, अगर अपन किसी के घर पे जाकर के बैठ रहे तो उसका घर का जो रूल्स है वो भी अपने को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसका रूल्स के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा, और मेरा जो चलने का भाव है, तरीका है, मेरा जो सामान वगैरह वो भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही तो कहानी हो रहा है ना, वही दोनों चीज को आपको ध्यान देना है बस, कि जो जाकर के जिसका घर पे बैठ रहा है उसका खुद का सामान तो होता ही है और वो उसका रूल्स और रेगुलेशन को भी सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशन आ जाता है, बस इतना सा ध्यान रख दोगे काम में पड़ जाएगा। अगर फंक्शन डिफाइन कर लिए, डोमेन निकल गया, तो ग्राफ तो बना ही लोगे छुटकी में, और बार बार बोल रहे हो कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सर साइन एक्स आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर देगा तो कांस्टेंट या फिर लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक तक ही सीमित रखेगा, ठीक है। ऐसा ही चीज दिया जाएगा जो आप कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ भी बना सकते हैं। रेंज का क्वेश्चन पूछ लिए x^1 करोड़ पर x^2 करोड़, कर पाओगे नहीं। आईटी का प्रोफाइल में जो चीज पॉसिबल है, जो ह्यूमन सोच सकता है अपने दिमाग से, वही दिया जाएगा ना भाई, बाकी तो सॉफ्टवेयर वगैरह है क्वेश्चन वगैरह करने के लिए, ठीक है ना। वो आपको क्यों पूछेगा, ठीक है। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहता है, आपका ज्ञान नहीं, ठीक है। तो थर्टी तो बता दिया भाई, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो 38 वाला, और अभी काफी सारा क्वेश्चंस बता दिया, काफी सारे टाइम भी हो गया, तो 38 वाला मैं और आपको इन डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप मतलब करके नहीं दे रहा हूँ, एक बार डिस्कस करता हूँ। एफ एक्स दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ है फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। फॉग एक्स अगर एग्जिस्ट है तो जी एक्स का रेंज देखो, एक ऑप्शन पक्का यहाँ पे 0 से 1 है जो कि फ्रैक्शन पार्ट का रेंज होता है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को, पता चलेगा। तो जो उल्लू है वो तो डायरेक्टली 0 से 1 तो लगा दिया, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप होशियार हो, अगर मैंने जो जो क्वेश्चन करा रखा है, आप अगर सोच के गए होंगे, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए होंगे, तुरंत क्लिक करेगा। सर ने बोला था कि फॉग को एग्जिस्ट होने के लिए जीएक्स का रेंज एफ एक्स का डोमेन का सबसेट होना चाहिए, नहीं आ रहा है, मतलब यहां पर शायद 0 से 1 पूरा पूरा नहीं आएगा,
कम ही आएगा, और ऑप्शन में आप देख भी सकते हो कि जो भी आंसर दिया है वो जीरो से वन से कम ही दिया है, ऑब्वियसली वही होगा, क्योंकि मतलब आपको यहां पर करना क्या है कि gx का रेंज fx का डोमेन का सबसेट होगा। gx का रेंज आपको पता है फ्रैक्शन पार्ट जीरो से वन पे होता है, बट fx का जो डोमेन है वो आपको निकालना पड़ेगा। लॉग फंक्शन का डोमेन कैसे निकालना है, वो इनइक्वालिटीज ऑफ फंक्शन में काफी हम किए हैं, इतना किए हैं ताकि अभी और करने का मन ही नहीं कर रहा है मुझे, समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं कर पाते जरूर करके दूंगा, बट आपको बोलना पड़ेगा अगर आप नहीं कर पाते तो। आप fx का डोमेन निकालिए और gx का रेंज क्या है जीरो से वन, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, जो हिस्सा आएगा वही हो जाएगा आपका gx का रेंज, क्योंकि gx का रेंज वही हो सकता है जो होने के साथ साथ गॉफ फंक्शन जो है, फॉग फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट होगा। अगर gx का जीरो से वन पूरा इंटरवल ले लेते तो उस पूरा इंटरवल में तो फॉग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो समझाया था ना तीन बॉक्स बना करके, तो वो चीज चल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे 38 जैसा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आप चेहरा घुमाएंगे हैं यहाँ पे, है ना, आपको फंसाने के लिए, बट है वो क्वेश्चन उसी के तरह जो क्वेश्चन नंबर 27 और उसके पहले जो एक और क्वेश्चन लिखा के मैंने कराया था ना थोड़ी देर पहले, वही क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो प्रॉपरली आप अपने होमवर्क को खत्म कीजिए, ट्राई करते रहिए, है ना, और बाकी आगे सारे आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन हमने अच्छे से कंप्लीट किया है ना, और अभी अगर कंपोजिशन का कम समय में कंप्लीट किया, बार बार बोल रहा हूँ, क्लास में अगर होता तो और अच्छे से पढ़ा सकता था, बट जो भी लिमिटेशन है उसको समझना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा आप मत सोचिए कि क्लास में अगर होता तो अच्छे से पढ़ाता और यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, भाई दिल से कोशिश कर रहा हूँ, जितना क्लास में बोलता उतना ही बोल के दे रहा हूँ, जितना वीडियो बनाना है उतना ही बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। और ऐसा कोई भी कोई भी टॉपिक कुछ भी हो छोड़ के नहीं जाएंगे और आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से अपना होमवर्क को करते जाइएगा, और जो होमवर्क है कॉम्पोजिशन का वो 1112 आप उम्मीद करता हूँ कि खत्म किए होंगे। उसके बाद आपको मैं लिख के दे रहा हूँ होमवर्क जो है, वो एक्सरसाइज 1 का अप टू कहाँ तक है आपका 35 से, हाँ 35 से लेकर के 64 तक, और एक्सरसाइज 2 जो है उसका जो होमवर्क होगा वो हो जाएगा आपका 24 कर दिया, 25 कर दिया, 26, 27, 28, 29, 30, हाँ 30 तो आधा किया है, 30 से लेकर के मान लो 39 तक 10 क्वेश्चन है, ठीक है सर, है ना। तो इधर 10, इधर 20, 30 क्वेश्चन है कंपोजिशन का हो जाना चाहिए। जो तकलीफें होता है सारे बताऊंगा। आप सभी का बहुत डाउट आया होगा कि एक्सरसाइज 1 में सर प्रूफ्स वगैरह लिखे कैसे, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सारे के सारे पेपर में भी सॉल्यूशन देके दूंगा टेलीग्राम में, और साथों साथ आपका जो वीडियो सॉल्यूशन है सारे क्वेश्चन का वो भी देके दूंगा, चिंता नहीं करना। लेकिन अगर गद्दारी करेगा, काम नहीं करेगा तो बहुत पछताएगा सर, याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना। काम कर ईमानदारी से, फिर अपन भी उतना ही ईमानदार होकर के काम करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। और आपका ईमानदारी होना, आप ईमानदार होना ना होना, उसके साथ मेरा ईमानदारी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर। अपन ईमानदार थे, है और रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो आप ध्यान से अपना होमवर्क को कर लीजिएगा। आज का क्लास अपन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। और अपन नेक्स्ट क्लास में कल लास्ट सैटरडे है, कल मिलेंगे संडे को, ठीक है। और कल अगला टॉपिक और आपका जो भी डाउट्स वगैरह होता है वो सब पहले डिस्कस करेंगे और फिर नया टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। बट उससे पहले काफी जल्दी चल रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा अपना होमवर्क जो है वो टाइम टू टाइम समय पे समाप्त कीजिए, ठीक है, ताकि हमारा महीना भी खत्म होने वाला है, टॉपिक भी खत्म करना है फंक्शन, ठीक है। तो जल्दबाजी में चल रहा है थोड़ा बहुत, बट आप उस चीज को समझ रहे हो, जल्दबाजी में नहीं चलेगा। तो जो क्लासिकल टॉपिक है, कैलकुलस प्योर टॉपिक है, उस चीज में हमारा समय जो है कम हो जाएगा, ठीक है, जो हम कभी भी नहीं दे सकते, है ना। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ, और आप प्रॉपरली अपना होमवर्क कीजिएगा। जो भी डाउट है, पहले जो क्वेश्चन करा के दिया उस क्वेश्चन को एक बार देखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसमें नया नया तरीका सोचिए, ज्यादा से ज्यादा उसमें सोचने की कोशिश कीजिए एक लिमिट तक, और उसके बाद अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, साथों साथ मेरे साथ फोन पे शेयर कीजिए। ये उम्मीद पर मत रहिए कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा तो सर को पूछेंगे, तब सर बताएंगे, हाँ तब सर बताएंगे जरूर, बट अगर आपका बल्क में डाउट है तो बेहतर है अभी उस चीज को क्लियर कीजिए। बार बार बोल रहा हूँ, तब मेरे ऊपर लोड काफी ज्यादा आ जाएगा, अगर मैं हैंडल नहीं कर सकता तो आप भी परेशान हो जाओगे, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, और साथों साथ आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और आपको अच्छे से पता है कि सर अगर फ्रस्ट्रेट हो गए तो हालात किस प्रकार से क्या हो जाता है, ठीक है। तो आप इसीलिए बोला जा रहा है कि पढ़ते रहिएगा कंटिन्यूअस, जो भी आपको काम दिया जा रहा है कंटिन्यूअस सारे काम कीजिए, और अपना होमवर्क को प्रॉपरली कंप्लीट कीजिए, और जो भी आपको समझाया जा रहा है सब कुछ प्रॉपरली टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए, ताकि कोई बैकलॉग आपका ना बचे, ठीक है। अलविदा, आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ, कल मिलेंगे।